अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ट्रिक लेकर आया हूं जिसमें आप आसानी से एडिशन को कर सकते हैं। तो एडिशन करना आपके लिए एक सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना, बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो वो क्या है हमारे पास, मिसाल के तौर पर आपको इस तरह दिया गया 7, 8, 5 प्लस, ठीक है ना, 9, 8, 8। इसको कहा जाए कि आप क्या करें, ऐड करें, इसको जमा करें। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे, ठीक है ना, ये जो है 7 यानी कि 800 से कितना कम है, 800 से 15 कम है ना, 85 है, 85 के साथ 15 ऐड करो तो 700 मिल जाएगा। तो 15 क्या है, कम है, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे 8000 करूंगा, 15 करूँ तो 8000 बनेगा, तो 8000 मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर ये जो है हजार से कितना कम है, 12 कम है, तो इसको मैं हजार कर देता हूँ, ठीक है ना, हजार। अभी इनको जमा करते हैं, ठीक है ना, क्या आ जाएगा, 0081 यानी कि 1800 में मिल गया। अभी इस रकम को देखते हैं 785, ठीक है ना, ये जो है, ठीक है ना, ये जो है 700 से कितना कम है, सॉरी 800 से कितना कम है, 15 कम है ना, तो मैं लिखता हूँ 15, 15 कम है। और ये जो है हजार से कितना कम है, 12 कम है ना, ठीक है ना, 12 कम है, 88 है, तो 12 कम है हजार से, यानी कि 12। अब इन दोनों को जमा करो, जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 2 7, 1 और 1 2 27 आ गया। अभी 27 को इधर लिखो और माइनस करो इससे, ये इसको एक उधार देगा, 10 में से 7 निकालो, 3, ये 9 बन गया, 9 में से 2 निकालो, 9 में से 2 निकालो, फिर हो जाएगा 7, ये क्या बनेगा, 7 1। तो ये आपका आंसर है, यकीन नहीं है तो चेक करके देता हूँ, ठीक है ना, 7 8 5 9 8 8, ठीक है ना, 5 और 8 13 एक हासिल, ठीक है ना, 8 और 8 16, 16 और 1 17, ठीक है ना, एक हासिल, 9 और 1 10, 9 और 1 10, 10 और 7 17। तो ये है आपका आंसर, क्या है, दुरुस्त है। तो ठीक है ना, इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हम एडिशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।